हेलो एंड वेलकम टू लीगल टेरिटरी। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टेटमेंट को जिसकी वजह से जुडिशरी का सिलेबस है वो काफ़ी मेजरली चेंज हो सकता है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में चेंजेस हो सकते हैं। सीआरपीसी और आईपीसी जैसे मेजर पोर्शन में अगर चेंजेस होते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए डिसएडवांटेजेस पोजीशन हो जाएगी। सो उस स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स के बारे में काफ़ी सारे अजम्पशंस लगाए जा रहे थे कि इसका किस साल से इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में अभी टाइम है, क्योंकि सबसे पहले तो उसका सबसे बड़ा लूप होल यही है कि सारे जितने भी स्टेट्स हैं उन सबकी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, और लोअर कोर्ट में सभी जो कोर्ट्स हैं अपनी अपनी लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में किस तरह से लैंग्वेज पेपर्स होंगे वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होने में अभी टाइम है, लेकिन अगर सीआरपीसी और आईपीसी में चेंजेस हो जाते हैं तो जुडिशरी का सिलेबस बदलने के भी हाई चांसेस हैं। सो आज हम उस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी रिसेंटली सूरजकुंड हरियाणा में एक शिविर ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ के होम मिनिस्टर्स ने उसे ऑर्गेनाइज किया था, और यूनियन होम मिनिस्टर ने उसके बारे में एक बात कही थी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो हर स्टेट में स्टैब्लिश होगी। प्लस उन्होंने एक और बात कही कि आईपीसी और सीआरपीसी में उन्होंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है, और अब उसका जो ड्राफ्ट बिल है वो पार्लियामेंट में जल्दी ही इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर वो बिल अप्रूव हो जाता है तो वो लॉ बन जाएंगे। और इसके रिगार्डिंग एक कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी मई 2020 में, जो 5 मेंबर कमेटी थी, उसने अपना ड्राफ्ट बिल प्रेजेंट किया है अपने होम मिनिस्टर को, और उनके जो हेड हैं डॉक्टर रणबीर सिंह हैं जो कि उस कमेटी के चेयरपर्सन रहे हैं। तो हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी लोग इस एग्जाम्स में अपियर कर रहे हैं, लॉ ऑफिसर्स की एग्जाम्स में अपियर कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस कमेटी के मेंबर जो हैं और उनको हेड कौन कर रहे हैं उनका नाम भी किसी ना किसी एग्जाम्स में आ सकता है, तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। तो डॉक्टर रणबीर सिंह इसको हेड कर रहे हैं, वो एनएलयू दिल्ली के प्रोफेसर चांसलर वाइस चांसलर रह चुके हैं, और इस 5 मेंबर कमेटी को हेड करने के बाद उन्होंने होम मिनिस्ट्री को एक ड्राफ्ट बिल दिया है, और ये कमेटी ऑर्गेनाइज हुई थी मई 2020 में। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर ये चेंज हो जाता है सीआरपीओसी और आईपीसी में सारी जुडिशरी एग्जाम से पहले, तो अगर ये पहले इंट्रोड्यूस हो जाता है तो हमारे सिलेबस में मेजर चेंजेस आएंगे। और जो हमने पिछला जितना भी पढ़ा है स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने जितना भी पढ़ा है सीआरपीसी और आईपीसी को, उसको भुला कर उनको बिल्कुल ऑल टुगेदर नए कोड को पढ़ना पड़ेगा, और अगर नए कोड को पढ़ना पड़ेगा तो कॉन्सेप्ट शायद सेम हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोविजंस ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो हो सकता है आपने अगर 420 में ये चीटिंग फ्रॉड और ये सब देखा है तो उसके नंबर्स चेंज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट शायद सेम ही रहे। तो बट लेकिन यही है कि इतना बड़ा अगर कोड चेंज हो जाता है तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा इतने कम टाइम में दो बड़े मेजर लॉस को पढ़ना स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के लिए। बट अब सिंस पार्लियामेंट हमारी है, काफ़ी स्लो और स्लगिश प्रोसेस है हमारी पार्लियामेंट की, तो अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन अपकमिंग जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम जो रिसेंटली आने वाली है उससे पहले नहीं होता है तो अच्छा है, नेक्स्ट वाली बैच अगर उसको देती है तो उनके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा उन लॉस को पढ़ने के लिए। तो आई होप ऐसा ही हो, और अगर नहीं तो फिर उन लॉस को हमें डिस्कस करना पड़ेगा, नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।